नमस्कार दोस्तों, मैं जीता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ कैट मैनिएक चैनल में। इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग कंप्लीट सबमिशन शीट को जनरेट करना सीखेंगे। ये ट्यूटोरियल सीरीज सिविल इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ये स्टेयरकेस के दोनों तरफ दो अपार्टमेंट्स है, दो फ्लैट्स है। ये 2 BHK फ्लैट्स है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बेसिकली सेम है और ग्राउंड फ्लोर में एक ऑफिस है और यहाँ पे पार्किंग स्पेस है। ये इनके सारे एलिवेशन्स हो गए, फ्रंट एलिवेशन, राइट और लेफ्ट एलिवेशन। हम लोगों ने 2 सेक्शंस लिए हैं। ये दोनों सेक्शंस हम लोग जनरेट करेंगे। ये सेक्शन लाइंस आप देख सकते हैं और यहाँ पे आरसीसी स्टेयर स्लैब है और ये आपका आरसीसी स्लैब। यहाँ पे कॉलम फुटिंग डिटेल्स है। ये सारे शेड्यूल्स भी हम लोग बनाना सीखेंगे। और यहाँ देखिए, कॉलम लेआउट प्लान, बीम लेआउट प्लान, सेप्टिक टैंक डिटेल्स और सोक पिट, और यहाँ सारे बीम के डिटेल्स भी अवेलेबल है। और एकदम लास्ट में हम लोग इस टाइटल शीट को बनाना सीखेंगे और एट्रीब्यूट के मदद से ये सारे फिल करेंगे। तो चलिए इस ट्यूटोरियल के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर प्लान को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ हम लोग को यूनिट सेट करना पड़ेगा। मैं एक नया ड्राइंग विंडो खोल लेता हूँ। यूनिट सेट करने के लिए आप लोग UN टाइप करें और एंटर प्रेस करें। एंटर की बजाय आप लोग हमेशा स्पेस बार को प्रेस करें। यहाँ टाइप डेसिमल रहेगा क्योंकि ये मेट्रिक फॉर्म में है। प्रिसीजन आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये सारे होल नंबर्स हैं। और इंसर्शन स्केल हमारे केस में मिलीमीटर्स रहेगा। फिर ओके प्रेस करें। उसके बाद डी एंटर करें। ये देखें, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल चुका है। मॉडिफाई पे क्लिक करें और यहाँ प्राइमरी यूनिट्स टैब में यूनिट फॉर्मेट को डेसिमल रखें और प्रिसीजन को 0 सेट कर दें। फिर ओके प्रेस करें और फिर क्लोज करें। इसके बाद हम लोग कुछ लेयर्स बना लेंगे। तो लेयर बनाने के लिए आप लोग लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लेयर टाइप करें और एंटर प्रेस करें। इस आइकन पे क्लिक करें एक नया लेयर बनाने के लिए। इसको एक नाम दे दे, वॉल। आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से कलर इसको असाइन कर सकते हैं। मैं इसको अभी वाइट रखता हूँ। और इस लेयर को करंट लेयर में कन्वर्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। तो इसको क्लोज करते हैं। तो चलिए हम अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेडरूम को बना लेते हैं। तो बेडरूम बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड दे, उसके लिए REC टाइप करें, फिर एंटर प्रेस करें। कहीं भी लेफ्ट क्लिक करें, डायमेंशन पे क्लिक करें या फिर D एंटर करें। लेंथ दीजिए 3625, फिर एंटर। विड्थ दीजिए 3000, फिर एंटर। ये देखिए, हमारा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसको हम लेफ्ट क्लिक करते हैं किसी भी साइड पे। यहाँ पे हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे राइट क्लिक की मदद से। ये देखिए, रेक्टेंगल कमांड रिपीट हो चुका है। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लीजिए। एक्सटेंशन लेने के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन रखें। F11 है इसका शॉर्टकट। ऐसा एक्सटेंशन जब दिखा रहा हो, ये देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन दिखा रहा है, आप लोग 125 प्रेस कीजिए। अब देखिए, एक 125 mm का वॉल ऑटोमेटिकली बीच में क्रिएट हो रहा है। अब फिर से डायमेंशन पे क्लिक करते हैं। लेंथ दे देंगे 4800, एंटर। विड्थ देंगे 3150, फिर एंटर। और फिर इस साइड में लेफ्ट क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे किचन है, राइट क्लिक करते हैं। रेक्टेंगल कमांड रिपीट हो गया। यहाँ से बाएं तरफ एक्सटेंशन लेंगे 125 mm का, फिर एंटर। फिर डायमेंशन में क्लिक, लेंथ हो गया 2500,
विड्थ हो गया 3000, और फिर लेफ्ट क्लिक, फिर से राइट क्लिक, एक्सटेंशन लीजिए 125, एंटर, डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, लेंथ दीजिए 1325, फिर एंटर, विड्थ दीजिए 3150, फिर एंटर, और फिर लेफ्ट क्लिक, फिर से राइट क्लिक, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 125, फिर एंटर, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ देंगे 4000, एंटर, विड्थ देंगे 3200, फिर एंटर, फिर से लेफ्ट क्लिक इस साइड में, फिर से राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से हमेशा आपका लास्ट कमांड रिपीट हो जाता है। फिर यहाँ से एक्सटेंशन लेंगे 125, एंटर, डायमेंशन, लेंथ देंगे 1650, एंटर, विड्थ देंगे 2000, फिर एंटर, फिर लेफ्ट क्लिक। या आपका टॉयलेट हो गया, बाथरूम, इसके साइड में वाटर क्लोजेट, तो फिर से राइट क्लिक, एक्सटेंशन लीजिए 125, फिर एंटर, फिर डायमेंशन में क्लिक, लेंथ सेम है तो सिर्फ एंटर कर दीजिए, वेट भी सेम है, एंटर प्रेस कीजिए, और फिर लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे हम लोग का एक पैसेज है, तो राइट क्लिक कीजिए रेक्टेंगल कमांड रिपीट करने के लिए, फिर यहाँ से एक्सटेंशन लीजिए 125, एंटर, फिर डायमेंशन में क्लिक, लेंथ देंगे 3425, फिर एंटर, विड्थ देंगे 1075, फिर एंटर, और फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा बेडरूम, किचन, बैल्कनी, डाइनिंग कम ड्राइंग स्पेस, ये हमारा और एक बेडरूम, ये बाथरूम, वाटर क्लोजेट, और ये एक पैसेज हो गया। अभी हम लोग आउटर वॉल को खींच लेते हैं। इसके लिए हम लोग लाइन कमांड लेंगे, तो एल टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आउटर वॉल हमारा 250 mm है, तो एक्सटेंशन लीजिए 250, फिर एंटर। अभी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ऑर्थो मोड को ऑन कीजिए, F8 प्रेस कीजिए, उसके बाद इस पॉइंट का एक्सटेंशन ऊपर की तरफ लीजिए, फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए, फिर 250 बाहर की तरफ, फिर एंटर, फिर इस पॉइंट का एक्सटेंशन लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट क्लिक, फिर से 250, एंटर, इस पॉइंट का एक्सटेंशन नीचे की तरफ, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद 250 बार की तरफ, फिर एंटर, और फिर इस पॉइंट पे देखिए ये 6650 दिखा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक 250 mm का वॉल है, तो मैं यहाँ पे 6400 एंटर करता हूँ। इस पॉइंट का एक्सटेंशन नीचे की तरफ लेते हैं, ये बाहर की तरफ 125, फिर एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इसको भी 125 बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अब हम लोग इस प्लान को सिलेक्ट करते हैं, मिरर करेंगे इसको राइट साइड में, क्योंकि सेम फ्लैट्स है, तो MI टाइप कीजिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए, फिर इस पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, फिर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ ऑर्थो ऑन रहना चाहिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए हम लोग का ऑलमोस्ट प्लान रेडी है। अभी मैं लाइन ले लेता हूँ, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेता हूँ 1250, फिर एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, फिर से लाइन कमांड को रिपीट करता हूँ, यहाँ से 250, फिर एंटर, फिर यहाँ लेफ्ट क्लिक कीजिए। ये हमारा स्टेयरकेस पोर्शन है, और ये हमारा दो फ्लैट्स है, ये 2 BHK फ्लैट्स हैं। तो इस ट्यूटोरियल को यहीं पे अंत करेंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग कॉलम्स को सही से प्लेस करेंगे और फिर डोर कटआउट्स को बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।